वाराणसी में निर्माणाधीन पुल की जांच रिपोर्ट में अधिकारियों को कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। वाराणसी पुल हादसे में जहां 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग घायल हुए, इतना ही नहीं वाराणसी मामले के अंदर 7 अधिकारियों पर गाज भी गिरी। इस मामले पर हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से बातचीत की। मंत्री ने तलब किए थे अधिकारी और जांच कमेटी बनाई थी वाराणसी को लेकर, उस हादसे को लेकर जो वाराणसी के अंदर घटा जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, उसमें उत्पादन आयुक्त कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। इस पूरे मुद्दे पर बात करने हमारे साथ है राम गोविंद चौधरी जी, समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष है। सर, कैसे देखते हैं कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिल पाया? ये तो मामले को दबाने की बात है। जिस समय गए होंगे उसमें तो कोई खड़ा होगा नहीं चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह तो जो घायल हैं वो हैं, और जो मरे हैं उनके घर के लोग, तो इनसे ये लोग संपर्क नहीं किए होंगे, इसलिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला होगा। ये मामले को रफा दफा करना चाहते हैं और कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करके वो पाला झाड़ना चाहते हैं। दुखद घटना है, पूरा प्रदेश मर्माहत है इससे, और इसकी सही जांच होनी चाहिए और सही जो इसमें लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी आप कहें सही जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तक मंगा ली, एक विस्तृत जांच होगी उसके बाद कुछ कहने, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला जारी है, 7 अधिकारियों के ऊपर अभी भी जाँच की तलवार लटकी हुई है। ये तो बिना जाँच के कार्रवाई हो रही है, जब चश्मदीद गवाही नहीं मिल रहे हैं तो फिर कार्रवाई किस बात की? तो मुख्यमंत्री इस पर लीपापोती करना चाहते हैं, इसमें दोषी मुख्यमंत्री स्वयं भी है। नैतिकता पे क्या होना चाहिए आखिर? अगर नैतिकता के नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, नैतिकता के ये लोग पी चुके हैं, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, और इसीलिए देश की ये हालत है। देश का जो सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का, जब जनरल लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री असत्य बोल रहे हैं, असत्य का उन्होंने धारण कर लिया है हमेशा बोलने के लिए, वही पूरी भाजपा उसको अपना लिया है असत्य बोलने का, और उनके असत्य का प्रचार मीडिया और चैनल खूब बढ़िया से कर रहे हैं, इसलिए उनको असत्य का लाभ मिल रहा है। लेकिन अंतिम घड़ी सत्य की ही विजय होती है, असत्य जाएगा और सत्य फिर आएगा। धन्यवाद। तो ये थे राम गोविंद चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला अगर बात की जाए इस पूरे मामले के अंदर सिर्फ लीपापोती हो रही है, और लीपापोती ना हो जिसके चलते अधिकारियों की अगर बात की जाए तो उनको सिर्फ एक सस्पेंशन या फिर उनका हटाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इसके अंदर कहीं ना कहीं घेरे में फंसे हुए हैं जिसके चलते ये लीपापोती हो रही है।